अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज आपके साथ रिव्यू करने वाली हूँ हिमालया के फेस वॉश का। हिमालया के फेस वॉश जो है वो डिफरेंट टाइप के हैं, और जिसमें जो है वो इनका नीम फेस वॉश है, एप्रिकोट फेस वॉश है, फेयरनेस फेस वॉश है, एलोवेरा फेस वॉश है, और इनका फेस वॉश क्लिनजर है। तो मेरे पास जो है वो एलोवेरा फेस वॉश है, जो कि नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए है, जो कि सोप फ्री है, आपकी स्किन को क्लीन करेगा, स्मूथ करेगा और नरिश करेगा। इसके अलावा इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट भी मेंशन की गई है। इसकी प्राइस जो है वो 470 रुपीज़, वो भी मेंशन की गई है। 470 रुपीज़ की प्राइस में जो है वो आपको 150 ml की प्रोडक्ट जो है वो मिलेगी। इसके अलावा इसमें ये कहीं भी मेंशन नहीं किया गया कि हिमालय की प्रोडक्ट जो है वो हलाल हैं या नहीं हैं। ये हिमालय साइंस पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है उसकी तरफ से मैन्युफैक्चर किया गया है, और क्लेम किया गया है ये एक हर्बल फेस वॉश है। आप जानते हैं कि एलोवेरा और कोकम्बर जो है वो आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, जो आपकी स्किन को क्लीन करते हैं, स्मूथ करते हैं, आपकी स्किन को फेयर करते हैं। तो इसमें भी यही क्लेम किया गया है कि ये एलोवेरा और कोकम्बर के साथ जो है वो बनाया गया है। यहाँ पर इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो शो किए गए हैं, इसके अलावा इसके यूज़ का तरीकाकार भी बताया गया है। कोकम्बर जो है वो आपकी स्किन को कूलिंग और स्मूथिंग इफ़ेक्ट देगा, जबकि एलोवेरा जो है वो आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा और आपकी स्किन को नरिश करेगा। मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करूंगी अपना पर्सनल जाती। मेरी स्किन जो है वो ड्राई है, ड्राई स्किन की वजह से मैंने इसको यूज़ किया इसके रिज़ल्ट चेक करने के लिए कि इसका रिज़ल्ट जो है वो कैसा था। इसका टेक्सचर जो है वो क्रीमी है और ज़्यादा थिक भी नहीं है, बस नॉर्मल है। इसकी फ्रेगनेस जो है वो कोकम्बर जैसी है। और अच्छा, ये फेस वॉश जो है वो बहुत ज़्यादा आपको अपने फेस पे यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई फोमी फेस वॉश नहीं है। इसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी इसकी आपको रिक्वायर्ड होगी अपने फेस पर अप्लाई करने के लिए, तो फिर ही जाकर ये आपकी स्किन को जो है वो वॉश करने के काबिल होगा। ये आपकी स्किन को क्लीन भी करेगा, आपकी स्किन को जो है वो उसमें से डस्ट को भी रिमूव करेगा, बट आपकी स्किन को कोई स्मूथ नहीं करेगा, आपकी स्किन को ना ही ये हाइड्रेट करेगा। मेंशन इसके ऊपर यही किया गया है कि ये मॉइस्चराइजिंग फेस वॉश है एलोवेरा, बट ये मॉइस्चराइजिंग फेस वॉश मुझे तो कहीं से नहीं लगा। यूज़ करने के बाद स्किन जो है वो थोड़ी सी टाइट हो गई, जैसे अमूमन फेस वॉश करने के बाद होती है, या सोप मिल्की सोप यूज़ करने के बाद थोड़ी सी आपकी स्किन टाइट होती है, बिल्कुल वैसे ही हो गई थी। इसके अलावा मुझे जो है वो पर्सनली इसके रिज़ल्ट इतने ख़ास नहीं लगे। इसमें परफ्यूम का यूज़ किया गया है, इसमें अल्कोहल का यूज़ किया गया है, इसके अलावा इसमें मैंथोल का यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से जब आप फेस वॉश करते हैं तो आपको कूलिंग इफ़ेक्ट आ रहा होता है। अगर प्रोडक्ट की बात की जाए तो प्रोडक्ट न्यूट्रल है और बिल्कुल सेफ़ है। आप इसे यूज़ करना चाहें तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे 470 रुपीज़ की प्राइस में ये प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही बेकार लगा, और मुझे किसी काम का नहीं लगा, और ना ही मुझे इसका टेक्सचर पसंद आया, ना ही मुझे इसका रिज़ल्ट पसंद आया। मैं आपको फिर ये फेस वॉश बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी। अगर आप ज़ाती तौर पे एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैंने आपका अपना एक्सपीरियंस आपके साथ जो है वो शेयर कर दिया है। तो ये था हिमालया के साथ एक छोटा सा रिव्यू। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जिन लोगों ने ये फेस वॉश यूज़ किया है वो कमेंट्स कर सकते हैं, और मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।